गुरु घर दे विच कहिंदे मैं गुरु घर दा प्रधान मैं मैंबर मैं सैकटरी दाढ़ी कट्टी शराब पींदा बुरा हाल गुरु घर चो बने तो जे ग्रंथी उन्हां ने जी जूरी ना करे उन्हां दी जनानी ना बन के रवे तीजे दिन अपनी पांच सत प्रधानों कट्ठे करके उन्हूं बाहर कढ दिंदे संगत दी सुणदा कोई नहीं कमेटी ने किदां दा योगदान पाया प्रबंध विच सहयोग ही नहीं दिता हाल दे दिंदे क्यों बाहर करना पैंदा होर कम्यूनिटी भी वेख्या कि अपनी कम्यूनिटी अपने कुट नहीं मारती हो यार इन्होंने तो गंद पा के रखा धर्म का बेड़ा गर करके रखता था इन्होंने कभी असं कहने जस्सू वाले का बहुत ज़्यादा प्रचार आ पिंड इदा घर घर करते पर जे साडा प्रचार हों सू किसी रोकण की लड़ ना पैंती तो श्रोमणी कमेटी ने प्रचारक दिता गुरु घर च हाजरी तो लवा जे कि घर बैठे सैलरी लैनी है आप तो प्रचारक इन्हों के जो हैड बैठे ने वो तो है सियासी दलों चो प्रधान जेबा चो कढ़ लो क्यों सिखा की जी बड़क आ किसी समय पूरी सी क्यों घट गई हूँ कारण की समझते हो पिछले अज मेरी इंटरव्यू देख के मेरे नाल दे कई सड़ जाना वेख लेना भी अज किधर का वड्डा चौधर खां आ के इंटरव्यू देने पैन तो कभी वेख्या नहीं खुली हवा के सह लै रहे हो तो गुरु घर है तुम जिते जाओ आ सकते हो जा सकते हो आजादी कि शह का ना होंगे वो कहते दस्ता दौ होर कि आजादी पाल दौ सत श्री अकाल पंजाबी लोक चैनल देख रहे हो मैं सतनाम सिंह इस वेले तख्त श्री अकाल तख्त साहब जी के बिल्कुल कोटखले हैं जिथे कि भाई अमृतपाल सिंह होर वालों एक सदा दिता गया सी नौजवानों के नौजवान जोड़े है अमृतधारी हो जिन्होंने अजे तक अमृत नहीं छकया वो अमृत छक के गुरु वाले बनन तो जिथे अमृत अभिलाखी नौजवान तख्त श्री अकाल तख्त साहब विखे पहुँचे ने उस दे नाल ही बहुत सारिया जथेबंदियां जिहड़ियां अपने अपने तरीके नाल योगदान जिस तरह का भी पा सकदियां सी वो पाउण दे लई पहुँचियां सो साडे नाल वीर खड़े है जिन्होंने कि शस्त्रां की सेवा की है खास तौर पर शस्त्र लैके आए हैं गलबात करते हैं भाई जी पंजाबी लोक चैनल से बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद जी ना जी तुहाडा हाँ हरपिंदर सिंह समाज सेवा संस्था ठिकरीवाल जिला गुरदासपुर किस तरह के शस्त्रां की तुसीं अज जिहड़ी सेवा की है तो किन्हां नूं कर रहे हो ये जी जेडे अमृत अभिलाखी ने जेडे शस्त्र की परिभाषा जानते हैं जेडे गुरसिख आने वाले नौजवान ने जेडे शस्त्र सामभ सकते हैं अपनी आत्म निर्भर रख्या वास्ते आदि अमेरिकन तो अमेरिकन गुरद्वारा श्रोमणी प्रबंधक कमेटी जिस तरह श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर इस तरह अमेरिका के भी आ अमेरिकन गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी शस्त्र की मर्यादा की तुम गल की है की मर्यादा होंगी कि शस्त्रां की तुम ये श्री साहबा जी है भेट कर रहे हो नौजवानों हाँ जी पंज ककार तो साढ़े हुद्दे ही है जी पंज ककार तो बाद गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी सानू वड्डी श्री साहब भी 3 फुट 2.5 फुट जिहड़े हिसाब नाल कद होवे सानू उन्होंने बख्शी है ये हर एक सिख के हाथ में होना बहुत जरूरी जबकि असं इन्हों तो विसर चुकी है सिख कौम सिख कौम तो वड्डी श्री साहब नूं फड़ने छड्डो छोटियां नूं भी कई ला के किलियां नाल टंग दिंदे छोटियां छोटियां इन्नियां कि साडे कोल गलतियां हुंदियां वा इन्नी कि सानू सिक्ख्या देण वाले जिहड़े साडे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कह दें जिन्हां दे प्रचारक आ जिन्हां दा प्रचार ही खत्म आ जिन्हां दे प्रचारक की कमी करके असी कभी किसी उंगल चुकते हैं कभी किसी से चुकते हैं कभी असी कहने जस्सू वाले का बहुत ज़्यादा प्रचार आ पिंड इदा घर घर करते पर जे साडा प्रचार हुंदा ते सानू किसी नूं रोकण की लोड़ ना पैंदी सवाल वड्डे कमेटी के उत्ते खड़े किए पर कमेटी तो कहती असी प्रचारक लाए हुए बहुत सारे प्रचारक रखे हुए हैं पिंड शहर जाके असी प्रचार कर रहे हैं स्कूलों च प्रचार कर रहे हैं कॉलेजों च प्रचार कर रहे हैं तुसीं कह रहे हो कमेटी प्रचार नहीं कर रही ये प्रचार दिखता तुहानूं कितें तुसीं ते जांदे होणे पिंडां पुंडां कि जां तुहानूं स्पैशली सद्दे जिथे कितें इन्हां दा प्रचारक पहुंचना उस टाइम जरूर मीडिया नूं कॉल आउंदी होगी आम नहीं आ जिहड़ा प्रचार अमृतपाल सिंह जी कर रहे प्रचार किवें दा ते उह प्रचार दा तुहानूं कुछ फर्क लग्गिया संगत दे विच कुछ ढला लग्गिया इहनूं कहिंदे प्रचार है ना सानू तो यही नहीं पता कि मेरा ठिकरीवाल पिंड है तो साडे पिंड ठिकरीवाल दे विच श्रोमणी कमेटी का किहड़ा वा जिहनूं असीं कह सकीए भाई साहब जी आ जाओ कितें एक बारी आ जाओ कि श्रोमणी कमेटी ने प्रचारक दिता गुरु घर च हाजरी तो लवा जे कि घर बैठे सैलरी लैनी है इतने तो भाजी कमरे ही मिलते हैं तुम्हें पता ही सिफारसा और पुरानी गल् हो गई पर चलो मैं नहीं कहता फिर एस जी पी सी मैंबर का फोन कराओ कमरा ले लो चुप तो पिछों की चाबी दे जो तो अपने घर खोज जानू कमरा मिल गया तो प्रचार की तो गल ही बड़ी दूर थी कहते कमेटी प्रचार करने अयोग जी साबित हुई आ नहीं कर सकी प्रचार कितने कमियां रह गई फिर क्यों क्यों लगता तुम्हें भी इदा नहीं हो सकिया किहड़ियां कमियां कमेटी भाजी जे हुण अमृतपाल आप एक सुहिरद हिरदे नाल चल रहे कौम नूं कह रहे चलो तो आप चल रहे हैं ना अवर उपदेश से आप ना करे आपते जाबते जन्मे मरे नहीं किसी उपदेश कर दिए आप ना चलीए फिर जन्म मरण के चक्कर च पैने आप हुंदा ना जे अं आप ही ना रस्ते गए होवे तो दूजे को किदा दस देंगे कि रस्ता साफ आ के टोया वाला आप तो प्रचारक इन्हों के जो हैड बैठे ने वो तो है सियासी दलों चो प्रधानों जेबा चो कढ़ लो ठीक है उत्ते सिफारसा एम एल ए पा लो जिदा थाने सिफारसा चलती है इदा साढ़े गुरु घर सिफारसा चलती हैं कमरे सिफारसा ना दे दो उत्थे कभी प्रचार कामयाब हो सकता जिन्हें दिलों प्रचार ना हो
इस करके तुम मैंने दसो कि प्रचार इन्होंने कॉलेजों के अवला होस्पिटल लिख लो गुगू उन्होंने बुच्चड़खाना कहता किनिया वीडियो वायरल हुई असं संस्था वाले लोगों के पैरों से हाथ जोड़ जोड़ के कोई इलाज करवाना है वीडियो वायरल कर करके इन्हें को पैसा लेकर लोगों का इलाज कराने इन्होंने क्या गुरु रामदास होस्पिटल वाला फिर उन्होंने गुरु महाराज के नाम बदनामी तो ना दो बुच्चड़खाने कर लो कितने श्रोमणी कमेटी का एक भी फायदा कितने हो दस दो जिते खड़े हैं इतने ही दस दो कि गरीब को कितने 100 रुपया भी देंदे हो मैं तुसी आज बड़े शास्त्र जिहड़े हैगे आ श्री साहिबां इह तुसी भेट कर रहे नौजवानों नूं इहदा मतलब फिर मतलब जिहड़े ककार सी उह तां नौजवानों नूं कमेटी ने दित्ते होणे सारे पंज ककार जिहड़े देणे सीगे चार जथेबंदी जी वारस जथेबंदी वालों संगतां दी जिद्दां अमेरिका तों ककारां दी सेवा आई कि 200 ककार सिंह नूं साडे वालों दे दो वड्डी श्री साहिबां 300 नूं दे दो इदां दूजे सिंह ने तुसी इहनां ने जिन्हां ड्यूटियां लाइयां हुंदियां श्रोमणी कमेटी दा ककार नहीं साडे कोल कमेटी ने किदां दा योगदान पाया प्रबंध दे विच सहयोग ही नहीं दित्ता हाल दे दिंदे क्यों बाहर करना पैंदा असीं भाई साहिब सुण रहे सीगे उत्थे श्रोमणी कमेटी के मुलाजम भी खड़े सीगे उन्होंने कह रहे कि तुसी किन्ने किन्ने सेवा करनी है पर वो सानू ये कहिंदे कि तुसी ककारां दी सेवा कर लो जिहदे रह जाणगे उन्होंने आपां दे दांगे पहला तुसी करो बेनती कर रहा श्रोमणी कमेटी ने आलमगीर साहब भी नहीं सहयोग किया इतने भी पता लगा की गल है गुरु का होका ही इन्होंने देना गुरु का होका ही सिख संगत ने देना पर नरोल सिख पंगत सिख संगत जी हूँ इन्होंने सियासी दलों तो अक चुकी है वह चाहती सी नरोल गुरु का प्यार आए सानू किसी रस्ते लावे संगत डोल चुकी सी हूँ तक इन बेअदबियां हुई श्रोमणी कमेटी ने कितने जाके न्याय लिया म्याणी की गल कि जगीर कौर कहती दाखला लो गल ठप दो ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਗੱਲ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂਝੀ ਸੁਣਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਂਝੀ ਜਿਹਨੇ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਘੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਤੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਠੋਕ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਉਹ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਲਈ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਲਾਇਆ ਹੁੱਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟਾਈਗਰ ਟੂਗਰ ਫੋਰਸ ਜੀ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੁੱਕੇ ਟੁੱਕਰ ਕੁੱਟਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੀ ਮਾਰਦੀ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਦ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਧਰਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਤਾਂ 84 ਬਣਾਊਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਇਹੋ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ 84 ਤੇ ਬਣਦੀ ਆਈ ਹਰ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੇ 84 ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਧੱਕਾ ਹੋਣ ਡਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕੌਣ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉੱਤੋਂ ਆਵੇ ਭਾਵੇਂ ਥੱਲਿਓਂ ਆਵੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਥਾਂ ਵੋਟ ਬਣਾ ਲਓ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੱਕੜੀ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ ਪੰਜੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ ਝਾੜੂ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਝੋਕਣਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਝੋਕ ਦਿਓ ਸੀਸ ਦੇ ਦਿਓ ਮਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਲੇਖੇ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਸਰਾਮ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ 2 ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਪਰ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰ ਜਾਓ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਕਰੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਡੋਲ ਗਈ ਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਗਈ ਸੀ ਆਸ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਘੱਲੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗੰਦ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਘਰ ਘਰ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਪਏ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆ ਜਾਓ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਗੁਰ ਸਕਦਾ ਗਰੰਤੀਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪ ਤੇ ਕਰਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਗਰੰਤੀਆਂ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਘੜਮ ਚੌਧਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾੜੀ ਕੱਟੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚੋਂ ਬਣੇ ਤੇ ਜੇ ਗਰੰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ ਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਵੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ 5-7 ਪ੍ਰਧਾਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸੁਧਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੀਆਂ ਗਣਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵੀਰ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਬੜੀ ਮਾਰੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਨਗਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕਰੂਗਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਮਤੇ ਪਵਾ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਾਹਰ ਹੋਊਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਨਿਸ਼ਚਾ ਵਾ ਅਮਰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਰਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ ਉੱਠਣਾ ਬਹਿਣਾ ਖਲੋਣਾ ਚੱਲਣਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਕਸਾਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਜੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰਹੂਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਸੰਤ ਸਮਾਗਮ
ढाडी दरबार देखते होंगे सी उहदे विच की सी कहना तो नहीं चाहिए असी सिर्फ अमृत पलाखियां दी आपां गिनती वधाउंदे सी कि संतां ने सत्त दिन प्रेरणा दी इन्ने जने गुरु के जहाजे चढ़ गए बाद च अगले साल फिर उही खड़े होंगे सी किसी ने नहीं वेखना कि अमृत सकिया ला के किली ने ठंगता जी मजबूर करके सकाता किसी ने मजबूर नहीं किया गया एक लहर चली है एक जागरूकता आई है जे इन आप इदा ही लहर तो रोजाना जागरूकता कायम रखा अपना फर्ज समझ हो नैतिक फर्ज तो लहर इदा ही हुलारे लेंदे रहेगी जिन्हां दे अमृत सकया जाऊगा बकायदा उन्होंने पिछे उन्होंने ड्यूटियां दित्तियां जाणगियां सिख संगत दे नाल रल के गुरु महाराज चरण अरदास करके उन्होंने भी अगे तो अगे प्रफुल्लित किया जाऊगा ना कि अज अमृत सका के असी अपनी लिस्ट च ना वधाता तो बाद च उन्होंने छड़ दिए कि तुम जो मर्जी धर्म परिवर्तन कर लो ये नहीं छड्डिया जाऊगा उन्होंने बकायदा पैरवाई की जाएगी सिख कौम नाल जोड़िया जाएगा अपनी सिख कौम को कोई घाटा ही नहीं जे सिख कौम ही अपनी चाहे तो अपने पंजाब के नौजवानों को बाहर जाने की लोड़ नहीं सिख कौम के कोई चंगा नुमाइंदा इन अलग मिल जाए तो इतने रुजगार इतने सारा कुछ हो सकता सानू सरकारां दी भी लोड़ नहीं पर जे सानू साढ़े तरीके नाल चलन दिता गया तो हुण तुसीं इह शस्त्रां दी गल कीती है रवायती शस्त्र जिहड़े महाराज ने बख्शे आ तुसीं कहिंदे हो कि इहनां दी मर्यादा है कोई मर्यादा की आ की मर्यादा जिहड़ी नौजवानों नूं पता होनी चाहीदी जिहनां नूं तुसीं इह शस्त्र भेट करदे वेखो जी साढ़े कोल कंघा आउंदा है कंघे नूं सवेरे शाम फेरना वालों के मर्यादा होंगी कि जिदा ही सवेरे शाम कंघा करते हैं ना मन के सवेरे शाम बाणी पढ़ो तो जिहड़े मैल वर्ती कार टुटे बेकार निकल जाते हैं श्री साहब दी गई है कि अपनी रख्या वास्ते जिहड़ी श्री साहब उहनूं तुसीं यूज कर सकते हो किसी अत्याचार ना करो किसी ते मतलब जुल्म ना करो तो जुल्म का टाकरा अपनी हथियारों के नाल करो कसहरा सानू जत सत की आग्या देना नाले के पक्के उतारने हो कड़ा कहिंदा जदों असीं किसी को मंगते हैं पिछे चलिया जाता मंग ना तू दान कर गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहिंदे अपना धर्म दसवंध कढ जो तू कमा रहा दसवंध किसी के लिखे लाओ एक कारां की सानू प्रभाखा कारां की बहुत वड्डी महत्ता है तो डूंघा दरिया वा जिहड़ी अज छोटी श्री साहबां जिहड़ी फिर चल पईआं जिहड़े अमृतधारी अमृत छकण जांदे उह वी छोटी श्री साहब पांदे आ कि पहलां वी इही श्री साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज वल्लों दित्ती गई सी जां फिर उदों वी दो अलग शस्त्र दित्ते गए सी इक छोटा धारण करन लई इक हत्थ शस्त्र एक ही है छोटा शस्त्र भी कई छोटा कंघे च भी ला लैंदे ने कई इह श्री साहब इक जिद्दां सिख ने चोला साहब पाया निहंग सिंह उहदे कोल तां होणी लाजमी है इक गुरू दा प्यारा आ रिहा निहत्था आ रिहा अज्ज कल तुहानूं पता लंडर कुत्तियां बुचियां बहुत हुंदियां सिखां नूं किते ना किते कोई ना कोई ढा ही लैंदा क्योंकि इन्ना क ज़्यादा हो कि पिछे जिहा मंडी च पता लगा जट्टां नूं भइयां ने बड़ा कुट्टा जे अस्त्रधारी सिंह मैं इन्ना नहीं कहिंदा मैं कहिंदा सानूं गुरु ने दित्ता सानूं सरकार कोई परमिशन लैण दी लोड़ नहीं निहत्थे ते असीं चक्कणा नहीं पहल असीं करनी नहीं ते जे गुरसिख दे कोल अपना शस्त्र ही नहीं गुरु दा बख्शिया होया ते आपां किहदे नाल की किसे दी रक्षा कर लां तुसीं शस्त्र दे रहे हो नौजवानों पर पिछे सिंह साहब जिहड़े साबका जथेदार रहिंदे उन्हां नूं ट्रेन दे विच नहीं वड़न दित्ता जांदा मैट्रो दे विच नहीं वड़न दित्ता जे तुसीं शस्त्र तां सारिआं नूं दे दोगे जे उह खोले नहीं रही उत्थे उन्हां नूं ट्रेनां च नहीं चढ़न देना बसां च नहीं चढ़न देना फिर की फिर उहदा की हल उत्थे हल आउंदा जे कोई कहे जी खालिस्तान चाहीदा तां फिर उत्थे आह गल आउंदी है सरकारां धक्का करदियां ते जे सिख कौम कहे कि अहीं गुरू दे बख्शे शस्त्र वी नहीं लिजा सकदे ते फिर अहीं खालसा राज क्यों ना मंग लईए क्यों ना सिख संघ नूं पाबंद कर दईए उत्थे फिर सानूं झूठे बणाया जांदा कि तुम खालसा राज की गल करते हो बरगारी के मोर्चे की गल करो बंदी सिंह की गल करो आ करो जे करो फिर खालसा राज की ना गल करो फिर सानू साडे अधिकारां क्यों नहीं वरतन दिता जाता असी उत्थे लड़ना तो नहीं इन्हां ना अं टाकरे जंगा तो नहीं करन चले करन वाले तो दो दो इंच के कटे पाई फिरदे आ ते नशे वेचदे समैकां वेचदे आ ते जे कोई अड़दे तो गोली मार के गांह जांदे उहनां दा कोई पुछदा नहीं थाने फोन आ जांदे मंत्री दा यार फलाना बंदा छड्डो परे कर दो इदां कर दो ते सिख कौम जावे किधर नूं जे अपना हक मंगे कहिंदे जी सिख राज खालसा पंथ की गल करती सिख राज की करती जे कहे श्री साहब वड्डी लली कहिंदे तुहानूं ट्रेनां च नहीं चढ़न दिंदे फिर यदा तो कोई ना कोई इदा चल के ही हल निकलू जे राह लंघांगे तो फिर ही सानू पता लगू कि रस्ते च कंडे कुंडे किन्ने के टोए कि लंघना क्यों सिखां दी जिहड़ी ये बड़क आ किसे समय पूरी सी क्यों घट गई हुण कारण की समझदे हो पिछे दोगलापन ते साडे विच जिहड़े बहरूपीए वड़ गए साढ़े अपने नहीं वेख के राजी अज मेरी इंटरव्यू देख के मेरे नाल दे कईआं सड़ जाना वेख लैना भी अज्ज किधर दा वड्डा चौधर खां आ के इंटरव्यू देण दे पैन तो कभी वेख्या नहीं कहिंदे अमृतपाल नूं दीप सिद्धू नहीं कभी वेख्या उहने ते खरे उहनूं ब्लॉक करता सी आई डी चों मैनूं इह दसो कि अमृतपाल ते दीप सिद्धू दी सोचण शक्ति च फर्क है अमृतपाल की इत्थे डालर कमाउण डिया वा जां इत्थे सिख संगत नूं गुमराह करके किसे मंत्री नाल लाउण डिया कि शमशेरे पिता गुरु ग्रंथ साहिब महाराज वाली दो जहान उहनां नाल लाउण डिया हैं मैनूं दसो इहदे विच किसे नाल अटैचमेंट हो के प्रचार किया जा सकता कि साडे दिल दी भावना हो सकदी है पर बहुत सारे लोक तां इह वी कहिंदे आ ना कि जदों कोई कथावाचक बणदा लंमे अभ्यास दे पिछों कोई कथावाचक बणदा कोई ग्रंथी सिंह बनता लंबे अभ्यास के पिछों कोई ग्रंथी सिंह बनता एक नौजवान आता जिहड़ा दुबई के कारोबार करता सी ते इत्थे आके अमृतधारी हुंदा ते नाल ही जिहड़ा हैगा सारिआं दे उत्तों लत्त घुमा दिंदा फिर जिहड़ी हैगी इक सवाल तां खड़े होणगे महाराज ने पांधे नूं करके गुंगे नूं ज्ञान भी छोटी दे के देता सी इतिहास च हुंदा ना बहुता चलो मैं नहीं जानता सिख संगत बहुत बख्शांदा है पर वेखो गुरु महाराज की भी कृपा हुंदी है उन्होंने ये कहो भी जिहड़ा नौजवान इदा आ के वह ज्ञान दीआं गल्लां करन डिआ सारिआं दीप सिद्धू दे गाड़ी भी नहीं जिदा कोई बोलता इहदी भी गल दी इंटरव्यू सुन लो ज्ञान दीआं गल्लां आउंदीआं सिख्या नहीं नहीं सिख सकदा जां तां फिर बहुत तगड़ी साजिश है कि सियासी उन्होंने किन्ना नहीं उन्होंने कोई चिप पाती है कि अमृतपाल चिप नहीं चले तो चिप नहीं सारा ज्ञान बोली जाए गुरु की भी कृपा तो गुरु का भी हुक्म है कोई ना कोई आना वा सिख कौम सामने वाला राय पाने वाला ये तो
अंत हो चुका एंड आया ही आया बाई चाहते हैं एंड आया ही आया कोई ना कोई आऊगा अपना अपनी सोचन शक्ति है हर एक पर सानू लगता कि सिख कौम एक रस्ते से चलाने वाला आ गया सिख कौम चलना चाहिए आपस में पाड़ा जो मेल देना चाहिए गुरु ग्रंथ साहब महाराज जे तो मत्था टेकते हैं फिर तो वो महाराज की सत्कार वजो सू एक दूजे ना निके मोटे जी रंजसा उन्होंने छे तो इन्होंने तुरना चाहिए सिख संघ सामना चाहिए जो असं इन्ह वैर विरोधा च रहना वो तो फिर 84 तो भी पहले तुरे आए हैं सिंह साहब किमें देखते हो जो मसले अजे तक उलझे पे आ सिख कौम के जोड़े सिख कहते हैं कि सू बेदबी का इंसाफ नहीं मिले बहुत सारे मसले जोड़े पे आ हूँ हल हो जी बिल्कुल अजे तो ये नहीं कहा जा सकता पर जिस रस्ते आप चल रहे हैं साडा मेन मकसद आ आज़ादी ये हिंदूत्व जिहड़ी सरकार है इहदे तों आज़ाद होना खास करके पंजाब नूं हर वर्ग नूं सिख नहीं हर वर्ग नूं इहदे विच साथ देना चाहिए कि जिनी देर तक देखो एक मोटी जी मिसाल असी देखते होंदे सीगे कि सेंटर सरकार जिहड़ी है साडे कोल पंजाब कोलों 100 रुपया जे खड़दी है उहदे विचों 20 रुपये सानूं वापस करदी है ते 80 रुपये सेंटर सरकार जिहड़ी उह अपनी मर्जी दे नाल खर्च करदी जिथे मर्जी करदे बेशक किसे होर राज नूं दे दे पर जदों आ किसानी मोर्चा लग्या तो किसान यूनियन के जिहड़े सीगे एक्सपर्ट बंदे सीगे उन्हां कोलों आपां इह सुणिया कि सानूं सिर्फ 17% वापस आउंदा उहदे विच हुण कल्ला सिखां दा ते वापस नहीं आउंदा हर वर्ग दा वा पंजाबी हर एक दा है इस करके जिन्नी देर तक असीं इस हिंदूत्व सेंटर के गुलामी के जूले थलों निकल नहीं सकते साडियां सारियां समस्यावां दा हल फिर होना पर तुसी कहने हो कि असी आज़ादी चाहते हाँ पर सरकारां दी गल करिए जां कुछ जिहड़े तुहाडे ख्यालां दे विरोध दे विच लोक खड़दे आ तो वह कहिंदे कि तुसी खुली हवा दे विच साह लै रहे हो तुहाडे गुरु घर आ तुसी जिथे जाओ आ सकदे हो जा सकदे हो आज़ादी कहड़ी शह दा नाम हुंदा वह कहिंदे रस्ता दिओ होर कहड़ी आज़ादी पालदे हो वेखो जी एक मानसिक गुलाम जिहड़े हुंदे ना उह इदां ही कहिंदे हुंदे जदों कोई किसी नूं गुलाम बनाउणा होवे जरूरी नहीं हुंदा कि उहदे पैरां च संगल बेड़ियां पा के फिर ही उहनूं गुलाम बनाया जा सकदा होर गुलाम इदों की आ तुहानूं अगले 17% तुहाडा वापस कर रहे आ 100 रुपया तुहाडे कोल खड़ रहे आ होर इदों वड्डी गुलामी की आ तुहाडे कोई बोलदा कि इत्थे कैंसर किन्ने परसेंट कैंसर चल गई आ सब तो ज़्यादा एशिया तो ज़्यादा इत्थे होस्पिटल जिहड़े आ कैंसर दे पंजाब दे विच आ गए आ साडा पानी खराब हो गया पानी साडा धक्के नाल खोह के तो दूसरे राजा नूं दिता जांदा हालांकि साडा ही पानी पूरा नहीं हो रहा इत्थे साडा गुरु इत्थे सेफ नहीं साडी बाणी सेफ नहीं सिख दी दस्तार सेफ नहीं अजे गुलामी आपां किहनूं कहिंदे आ मैनूं लगदा जिहड़े इन्नियां गल्लां करदे आ ना भी आपां आज़ाद हाँ इसे खुली हवा दे विच ते फिर सारे साह लैंदे आ जिहड़ा इक कैदी हुंदा है अपने जेल दे विच हुंदा कि उह साह नहीं लैंदा उहनूं ते आक्सीजन मिलदी आ पर उहनां नूं मैनूं लगदा कि अपने मानसिक जिहड़ी हैगी आ दिमाग दा उहनां नूं इलाज करवाउणा चाहीदा किसी होस्पिटल दिमागी होस्पिटल तो होर कोई वह हल नहीं सर बिल्कुल हम कि देखते हो तुम जिस तरह के उपराले हो रहे हैं कोई चानण की जी किरण दिस रही है जिदा की कौम जी है कहा जाता भी हनेरे के बहुत सारी गल्ला इदा विचार आते हैं कि दिस रहा हूँ तुम जो इदा के प्रोग्राम चल रहे बिल्कुल जी जी गुरबाणी के फलसफे अनुसार आप जो देखिए तो गुरु साहब कहते हैं कि हर चीज़ का जोड़ा हों दुख तो सुख का भी जोड़ा हों सिर्फ जे एक तो वह अकाल पुरख एक इस तरह ढेंदी कला चढ़ती कला दुख सुख जोड़े चलते हैं हूँ जो समा देखा जाए तो 1849 तो लैके हूँ तक जोड़ा पंजाब आ खास करके यदि ढेंदी कला ही रही है पहला गोरियां के गुलाम रहा फिर हिंदू तव के गुलाम हो गया सेंटर मैं हिंदू धर्म नहीं कह रहा ये इतने एक हिंदू तव कहने लोग यह समझ लेंगे ने कि शायद हिंदुओं के खिलाफ पर नहीं हिंदू सरकार जी इस टाइम हिंदू तव सरकार बैठी सेंटर के दिल्ली के बाद गुलाम जदों के होए हैं पहला आप गोरियां फिर आप हिंदू तव के गुलाम हो गए इस करके सारा पंजाब जोड़ा वा हूँ तक संताप भोगता आ पर हूँ गुरु साहब की अकाल पुरख की इन्नी कृपा कि इदा के आगू जोड़े मिल रहे हैं दिनों दिन हूँ वेखो सोशल मीडिया का युग आ पहला वाला तो काम नहीं है कि जो सरकारी मीडिया ने कहता तो वह कुछ सुन दुनिया ने सुनना सोशल मीडिया हर घर के हर हाथ के अजक खबर ने सानू नौजवानों भी इस गल की अपील आ कि निम्रता शायद तुम ये बेनती प्रवान करो कि तुम जे नचण गाने वाले लोग ने नचार ने उन्हों का खेड़ा छड़ गए तुम अपनी राजनीति वाल ध्यान दो अपने हर वर्ग का जरा अपने धर्म वाल ध्यान दे तो फिर ये जी किरण पंजाब की हूँ ढेंदी कला वाला खत्म हो गया हूँ मसला ये इस टाइम ना दुख में आ ना सुख में आने वाला समा जो चढ़ती कला वाला ही होगा सो बिल्कुल जिथे अमृतपाल सिंह होर ने एक आवाज़ दी कि नौजवान जोड़े अमृत विलाखी ने वो इतने पहुँचन
श्री अकाल तख्त साहब विखे तो उसके नाल ही बहुत सारी जथेबंदियां जिहड़ियां अपने अपने ढंग दे नाल अपने अपने समर्था के अनुसार सेवा करन दे लई पहुंचे, जिन्हां दे विचों ये वीर भी पहुंचे सी शस्त्र लैके पहुंचे सी ताकि नौजवानों नूं भेट कर सकन। सो उन्हां दे नाल तुहाडी गलबात करवाई है, तुहानूं ये गलबात किस तरह लगी है तुसीं अपने विचार कमेंट बॉक्स के दे सकते हो। सतनाम सिंह, पंजाबी लोक चैनल, श्री अमृतसर साहिब।